हाँ, पूरा समय दिया गया सरकार को अपने कामकाज निपटाने के लिए, घोषणाएं करने के लिए, चुनावी घोषणाएं करने के लिए पूरा समय दिया गया वो महाराष्ट्र में। और अंततोगत्वा जब बिल्कुल अंतिम मुहाने पर आकर के चुनाव का ऐलान किया गया, महाविकास अघाड़ी पूरी तरह से तैयार है और भाजपा जानती है कि महाराष्ट्र में उसके हिस्से कुछ नहीं आने वाला है। महाविकास अघाड़ी वहां प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लोकसभा का नतीजा भी बिल्कुल ऐसा था कि सरकार लगातार भाग रही थी इलेक्शन से वहां, तो फाइनली करवाना पड़ रहा है। लोकतंत्र की यही ताकत है कि तमाम कोशिशों के बाद भी इलेक्शन की एक निश्चित तिथि है कि उसके पहले तो आपको करवाना ही है, तो वो करवाना पड़ रहा है। हम स्वागत करते हैं और हम पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। तहलील के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। शिंदे साहब अभी चुनाव घोषित होने से पहले तक जो बोल रहे थे वो बोल रहे थे, लेकिन क्या कमान उनके हाथ में है क्या? क्या वो फ्रंट सीट पर है क्या? वो तो एक चेहरा थे, एक मोहरा थे, सरकार तो कोई और चला रहा था। दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच में कौन सरकार को नियंत्रित कर रहा था ये पूरा देश जानता है। तो शिंदे साहब ने अपना गोल्डन पीरियड काट लिया है और अब महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी।